कुलम्स लॉ की नेक्स्ट सीरीज में आपका स्वागत है। बेटा अभी तक हम लोगों ने कुलम्स लॉ की न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लास्ट सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम लोग जेई और पीएमटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कितने न्यूमेरिकल करोगे मैडम? हम तो दुखी हो गए इस फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर करके, अब कितने करे, परेशान होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कर लो, क्या हो गया। ठीक है, पढ़ना तो है ही ना। ठीक है, अब और मत करवा ना, वरना आपको पीटने लग जाएंगे, पीटना मत। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो कोई नहीं, चलो देखो आगे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं बेटा हम इसके। ओके बेटा, ओके। देखिए बेटा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, पीछे जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उसमें हमने क्या, कूलम्स लॉ की ही सीरीज चल रही थी, उसमें हमने सिर्फ दो ही फॉर्मूले बेसिकली यूज कर रहे हैं, या सुपर पोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ, F is equal to F1 का square, F2 का square, plus 2F1, F2 cos theta. Okay guys? पीछे जो question करवाए थे पिछले वीडियो में, मैंने उसमें आपको दो spherical ball ली थी, ठीक है? अब मैंने आप लोगों को तीन ball ले ली, charged ball है तीनों, और सबका mass क्या है आपका? Q है. In this question, there are three balls, each having the charge Q and mass is M. सबका mass क्या आपका? M है. ये तीन ball है. Ball number one, बॉल नंबर टू, बॉल नंबर थ्री, ठीक है? सबके ऊपर चार्ज क्या है? क्यू. सबका मास क्या है? एम है. फाइंड द फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉल, फाइंड द फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल पे क्या पूछा आपसे? फोर्स पूछा है. फाइंड द फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉल एंड चार्ज क्यू. इस चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चार्ज क्यू के मैग्नीट्यूड का ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ये मैंने दे दिए हैं आप लोगों को सामने, देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है. देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से देखो, ये चार्ज बॉल वन, ये टू, ये थ्री, फर्स्ट बॉल पे फोर्स निकालते हैं पहले. देखो ये सारे प्लस है तो सारे क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इतना तो चेंज होगा क्वेश्चन में. लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, सारे प्लस के साइन है. देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा टू, तो इसको इधर रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा आपका. ओके बेटा, अब ये थ्री इस पे फोर्स लगाएगा, इस वाले पे थ्री फोर्स लगाएगा वन पे, मैं लिख देती इसको वन टू. वन टू का मतलब वन ने फोर्स लगाया आपका, वन पे फोर्स किसने लगाया? टू ने. ये फोर्स लिखा मैंने वन थ्री, मतलब थ्री फोर्स लगा रहा है किस पे? वन पे. देखो दोनों के डायरेक्शन सेम है ना, तो ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट क्या बना? एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इसी में एफ वन टू की वैल्यू क्या लिखोगे? के क्यू क्यू बाई, इसको नाम मैंने ए बी सी डी, ए बी का स्क्वायर, और एफ वन थ्री क्या बन जाएगा? के क्यू क्यू बाई ए सी का स्केयर. ठीक है, अब देखो बेटा ए सी जो है वो टू टाइम्स है किसका? ए बी का. ए बी निकाल लेते हैं, देखो ए बी बाई एल, ए बी बाई एल, ये परपेंडिकुलर इन ट्राइंगल ए. मैडम जल्दी बहुत कर देते हो, कोई नहीं आराम से करते. ये ए डी बी, ठीक है बेटा, एक ट्राइंगल है आपकी ए डी बी, क्या बन जाएगा? ए बी, ए बी हमें निकालना है, और गिवन क्या है? एल बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा. देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, ठीक है. पंडित जी हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये थीटा के सामने क्या बना? ये परपेंडिकुलर, और ये अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बना? साइन थीटा. तो ए बी किसके बराबर हो गया? एल साइन थीटा. अब ए सी कितना हमारे पास? टू ए बी, तो टू एल साइन थीटा बन जाएगा. तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? ए पुट कर दो मैं ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई? एल साइन थीटा का स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू कितनी आई? के क्यू स्क्वायर, ये क्या आई? टू एल साइन.
साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों को रिजल्टेंट को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो यहां लिख देती हूं मैं, देखो तो ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ आर एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री, क्या मिला बेटा, एफ वन टू कितना है आपका के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है बेटा ये एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के क्यू स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाकी सारे फैक्टर कॉमन ले लो तो के क्यू स्क्वायर बार के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी बार ले लो, क्या बचा वन प्लस वन बाई फोर, फोर एक फाइव, फाइव बाई फोर के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट फोर्स ऑन फर्स्ट बोल्ट। और क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यों पूछा है, उसके लिए सिंपल सा एक फंडा रूल बताया था आप लोगों को मैंने कि यहाँ पे क्या लगेगी लेविस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग सीधा लिख सकते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी टेन थीटा के। ये डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड में बताया था, नहीं आया तो चलो मैं अगर करके बता देती हूँ ये कैसे आया। देखो एक बार ये एम जी टेन थीटा कैसे आया, ये एफ ई जो है वो हमारा एफ आर है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिजल्टेंट, देखिए इधर देखो इन दोनों पे इस क्यू पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इधर है एफ आर, अरे देखो इस क्यू पे वन भी इधर ही लगा, एफ वन टू भी इधर ही लग रहा है और एफ वन थ्री भी इधर लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही तो होगा कोई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिजल्टेंट इधर आया, तो इस बॉल के वेट के कारण फोर्स एम जी इधर लगेगा, ये टेंशन इधर लगेगी, ठीक है। तो देखो ये एंगल जब आपका थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया, तो ये पूरा एंगल, ये एंगल 90, तो पूरा एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, ये एंगल 90 और ये कितना बचा आपका 180 माइनस थीटा, मैं बाहर निकाल देती हूँ, देखो यहां से ये क्यू चार्ज था, ये आपका टेंशन टी, ये आपका एफ आर रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या है एफ आर, क्या आपका यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट, ये आपका एम जी, ये एंगल 90, ये एंगल 180 माइनस थीटा और ये एंगल आपका 90 प्लस थीटा, ठीक है। लेमिस थ्योरम लगाओ यहाँ पे तो क्या लगेगा आपका, एफ आर, एफ आर अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा बराबर एम जी अपॉन में 90 प्लस थीटा, टेंशन की लिखो तो लिख लो, बाकी जरूरत नहीं है अभी मुझे, क्योंकि टेंशन के बारे में क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है इससे रिलेटेड। तो इसको क्या लिख सकते हो, यहां से इधर से हटा रहे हो, एक बार देखो ये, तो आपके पास ये देखो ये चीज यहां से इधर एफ आर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस इस क्वाड्रेंट में जाएंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो क्या आ गया साइन थीटा बराबर एम जी, यहाँ पे भैया कोस और आएगा आपका कोस 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉजिटिव, तो क्या आ गया कोस थीटा, तो ये आपका एफ आर था, तो एफ आर किसके बराबर हो गया एम जी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो एफ आर की वैल्यू सीधी क्या लिख सकते हो आप लोग, एम जी टेन थीटा। ये शॉर्टकट मेथड्स में भी बताया था कि डायरेक्ट लिख दो एफ की वैल्यू एम जी टेन थीटा, ठीक है, बाकी मैंने बता दिया यहाँ पे। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे, हमें क्या पूछा है क्यू मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इन दोनों को बराबर रख दो, एफ आर बराबर एम जी टेन थीटा के, एफ आर बराबर है इसके, क्या बना 5/4 के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर साइन थीटा बराबर एम जी टेन थीटा। सोल्व करो इसको, इधर सोल्व कर दूं मैं, इधर देखो मैं सोल्व कर रही हूं, इस क्वेश्चन को जब मैं यहां सोल्व करूंगी तो देखो क्यू स्क्वायर को यहां रख लो,
बाकी सबको इधर ले जाओ। इधर जाएगा तो 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टेन थीटा, ये 5 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर के की वैल्यू पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुट करो तो क्यू स्क्वायर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 एल स्क्वायर साइन थीटा एम जी टेन थीटा डिवाइड बाई 5, तो 4 4 16/5। एक तो यही से समझ आ गया ऑप्शन में कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बाकी आगे देख लो क्या बना, 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा एम जी, ये रहा एल स्क्वायर साइन थीटा टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है भैया आपका, ये एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा वहां पे पीछे, देखना ये, क्योंकि आर का स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, तो ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16/5 एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, तो देखो 16/5 पाई 16/5 पाई एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यहां से देखो इस क्वेश्चन को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि एम जी टेन थीटा को इस चार्ज पे लगने वाले टोटल फोर्स के बराबर रख दो, ओनली एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन खोलना पड़ा, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया, ओके समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखो एक सेकंड के लिए, जल्दी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देयर आर 3 चार्जेस आर प्लेस्ड इन सच ए मैनर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, डिस्टेंस ए बी 3 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बी सी इज 4 सेंटीमीटर, पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। दिस क्वेश्चन कमिंग पीएमटी, तो पूछ रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी, बी पे कितना फोर्स लगेगा, ये एक्स एक्सिस नाम दे दिया मैंने वैसे, ये पॉइंट है आपका सी, ठीक है। तो बताइए सी पे कितना फोर्स लगेगा, देखो मैं ट्रिक बता देती हूँ, सॉल्व आप कर लेना। ट्रिक नंबर 1 देखो, बी पे फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये इसको रिपेल करेगा, इसी तरह फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये डायरेक्शन हो जाएगी भाई, कोई सा नेगेटिव होता था अट्रैक्ट कर लेता ऊपर चला जाता, क्या फर्क पड़ता उससे, तो ये बना फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। ये इन दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों बीच में एंगल क्या बन रहा है आपका, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बन जाएगा, एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ बी ए का स्क्वायर। देखो मैं वही लेती हूँ जो इसमें लिखा हुआ होता है, कि सी ने फोर्स लगाया बी पे, तो मैंने बी सी ही लिख दिया ताकि तुम्हें समझना इजी हो जाए तुम्हारे लिए, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस 2FBC FBA cos 90 डिग्री, cos 90 होने के बाद तो प्रॉब्लम छोटी हो जाती है, तो क्या बन गया, F इज इक्वल्स टू FBC का स्क्वायर प्लस FBA का स्क्वायर। यहां पे देखो पीछे क्वेश्चंस में मैं सब में कह देती थी F1 F2 के बराबर है, BC BA के बराबर है, लेकिन यहां देखो बराबर नहीं है, क्योंकि चार्ज भी डिफरेंट है और डिस्टेंसेस भी क्या आपकी डिफरेंट है, तो क्या बनेगा, FBC की वैल्यू लिख देती हूं मैं, बताओ कितनी हो जाएगी, के ये 3 ये 1 3 * 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है 10^-6, 3 × 10^-6 1 × 10^-6, ठीक है। K की वैल्यू 9 × 10^-9 डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का मतलब 10^-2, 4 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे 4/100 मीटर, 4 × 10^-2 मीटर का स्क्वायर, तो FBC क्या है बेटा 9 × 3 × पावर को बैलेंस कर लो, 9 ये हो गया प्लस
प्लस का 9, माइनस का 6, माइनस का 6, अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, ये 4, 16, एस वन माइनस 4, ठीक है, कट रहा है कहीं पे, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, 27 डिवाइड बाय 16 पावर 9 माइनस 12 प्लस का 4 कितने हो गए, 9 और 4 13, 13 में से बन गए 10, कितना हो गया ये 10, तो बन गया 270 बाय 16, ठीक है, ये FBC की वैल्यू आ गई। FBA को भी हम सॉल्व कर लेंगे यहां से, FBA की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 10 3, इन दोनों के बीच में फोर्स, तो ये कितना 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये 1, 2 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6, पहले 9 की 10 पावर 9, 2 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 10 रेस पावर माइनस 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर की क्या बनाओगे, मीटर, तो एफ बी ए क्या आया बेटा, 9 दूनी 18, 9 टू जा 18, पावर को बैलेंस कर लो, 10 की पावर 9 माइनस 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 9, 10 रेशो दी पावर माइनस 4, क्या आया बेटा आपका ये 18, 10 रेशो दी पावर, ये 9 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो यह जाएगा 2 इंटू 10 रेस दी पावर कितनी हो गई, ये 9 माइनस 12 प्लस 4, तो 10, तो ये 20 आ गया आपका, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर लो, इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, 16 1 जा 16 कितना बचा, 1 1 1, 16 5 जा 6 जा 16 6 पे चला जाएगा ये, तो ये चला जाएगा 6 पिन पे, 7 पे, 6 पे, तो 6 पे चला जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग करके आंसर आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर में लिखोगे तो FBC, BC की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है, इसको डिवाइड करोगे 16 से, तो देख लेना 16 1 जा 16, आपका ये बचा 1, फिर मैंने 6 पे ऐड कर दिया डिवाइड, 6.6 करके आ जाएगा, 6 पे जाएगा तो 96, अरे 6 जा 96 हो जाएगा, तो ये बना 4 और ये बना आपका 1 0 पॉइंट, तो ये आपका चला जाएगा 8 पे चला जाएगा सब, तो समथिंग 17 के आसपास आ रहा है, ये वैल्यू आ गई 16.8 का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू आ गई 20 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो आपका क्या मिल जाएगा आंसर, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को देख के नहीं घबराना, ये तो हमने कभी देखे ही नहीं थे, इजी से क्वेश्चन है, कर लेंगे सिंपली, इसके कान इस पे फोर्स निकालो ए डायरेक्शन, इसके कान इस पे फोर्स निकालो ए डायरेक्शन, दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री है, तो हमारा ये रिजल्टेंट आ गया, इन दोनों फोर्स को अलग अलग कैलकुलेट कर लो, वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर लो, ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, समझ आया नहीं आया इसमें, एक बार ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपके सामने, इफ फोर्सेस आर एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज 5, क्या कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है बिटवीन टू चार्जेस 5, ठीक है, इफ द चार्ज बिकम डबल, अगर चार्जेस क्या कर दिए, डबल कर दिए, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन फोर्स, ठीक है, समझिए क्वेश्चन को, अगर दो फोर्स है, दो चार्जेस है Q1 और Q2, इन दो ये दोनों आर डिस्टेंस से मान लिया सेपरेटेड है, तो इनके बीच में 5 फोर्स लग रहा है, उस 5 फोर्स की वैल्यू क्या कह रहा है, कितनी हो जाएगी, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K1 Q2 / R का स्क्वायर, ठीक है, अब वो कह रहा है इफ चार्जेस आर बिकम डबल, मतलब चार्जेस डबल कर दिया तो Q1 - कितना हो गया 2Q1 के, Q2 - कितने के बराबर हो गया 2Q2 के, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिकम हाफ, तो R - कितना हो गया R/2, तो कितना फोर कितने परसेंटेज वो फोर्स चेंज हो जाएगा, तो ये 5 आ गया, 5 डैश निकाल लेते हैं, 5 डैश क्या हो जाएगा के Q1 - Q2 - / R - का
स्केयर, तो पुट करिए तो 5 डैश कितना आ गया के, Q1 डैश कितना है 2Q1, Q2 डैश कितना है 2Q2, डिस्टेंस हाफ होगी तो R/2 का स्केयर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास यहां से 5 डैश की वैल्यू, 5 डैश कितना आ गया ये 4K Q1 Q2 R स्केयर, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या बना यहाँ पे ये 16K Q1 Q2 R का स्केयर, ये आपका 5 डैश आ गया। अब 5 ये है ना फ्रॉम 1 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 5 डैश कितना हो जाएगा 16 5 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 5 के बराबर है ना, ठीक है। परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज का जब भी परसेंटेज चेंज पूछे तो एक ही मेथड याद रखो, जो परसेंटेज चेंज एरर में पढ़ा था ना हमें, स्टैंडर्ड माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, या हमने ऐसे पढ़ा होगा ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, और ये भी ना याद रहे तो याद रखो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल ऑलवेज। तो फाइनल फोर्स क्या लगा 5 डैश, परसेंटेज इन 5 कितना आ जाएगा 5 डैश माइनस 5, ये फाइनल आया 5 डैश माइनस इनिशियल 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा 5 डैश 16 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने परसेंटेज चेंज हो जाएगा ये 1500 परसेंटेज चेंज जो है परसेंटेज जो है फोर्स क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार, ठीक है देखिए समझ आया, देखो एक बार देखिए ये क्वेश्चन आपका पीएमटी में पूछा हुआ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ये पीएमटी का क्वेश्चन आपका, कि आपके पास देर आर दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है ये एक स्क्वायर है आपका, स्क्वायर ज्यादा अच्छे से नहीं बना फिर बना देती हूँ, ठीक है देर आर स्क्वायर एंड देर आर 4 charges Q and Q placed at the one corner, then what will be the force on any one corner, what will be the force on any one of the corner, किसी भी एक कोने के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए मान लिया आप इस पे निकाल लो, किसी भी एक पे निकाल लो जो आपको बहुत अच्छा लगे, इस पे निकाल लेते हैं उसको, मेरे पास उधर जगह नहीं, ठीक है ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए क्या मैडम आप बी सी डी नंदो ये बना, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इधर बन जाएगा ये, ठीक है तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, अब ए फोर्स लगाएगा इस पे तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, ठीक है इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं होगा एफ आर लगेगा, पर अभी से भाई इस डी पॉइंट पे ये भी तो फोर्स लगाएगा ये वाला, देखो ये इधर ये फोर्स भी तो इधर लग रहा है आपका, दिख रहा है इस ये फोर्स कौन सा लगेगा आपका इधर, ये वाला जो इधर डॉटेड आया चल के साथ साथ, इसको क्या नाम देंगे आप लोग फोर्स ऑन डी डू टू बी, तो देखो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स क्या बन रहा है आपका यहां से एफ आर प्लस एफ डी बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है तो एफ आर तो अभी नहीं पता भाई, एफ आर तो निकाले दुखी हो गए ऐसे क्वेश्चन कर करके हम तो, है ना देखिए पर इजी है भाई, देखो एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ आर क्या हो जाएगा एफ डी ए एफ डी सी का स्केयर प्लस एफ डी ए का स्केयर, ठीक है
90, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये वाला फैक्टर हटा दिया मैंने यहाँ, सीधा लिख दिया, ठीक है। तो एफ आर को सोल्व कर लो, एफ डी सी निकालो पहले, एफ डी सी की वैल्यू कितनी होगी, एफ डी सी, एफ डी सी कितना हो जाएगा, के स्केयर है तो भाई सारी साइड बराबर होगी, ए मान लो सारी साइड, के क्यू स्केयर बाई ए स्केयर और एफ डी सी, एफ ए डी, एफ डी ए, एफ डी ए कितना हो जाएगा, के क्यू स्केयर बाई ए स्केयर। तो इन दोनों से क्या समझ आया हमें कि एफ डी सी बराबर है एफ डी ए के, ना इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है या नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है ना, एफ डी सी बराबर एफ डी ए। तो यहाँ पुट कर दूं, इसको मैं एफ मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या बन गया ये एफ स्केयर प्लस एफ का स्केयर कितना आया, ये रूट टू एफ। तो एफ आर की वैल्यू क्या मिली, रूट टू, एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू स्केयर बाई ए स्केयर, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एफ डी बी, एफ ए डी बी, एफ डी बी देखो यहां से, एफ डी बी को क्या लिख सकते हो यहां से, के क्यू स्केयर, ये ए ये भी ए, तो ये क्या बन गया, रूट टू ए बन जाएगा, रूट टू ए का स्केयर करोगे तो टू ए स्केयर बन गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो आप, यहां पे रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, के क्यू स्केयर बाई टू ए प्लस ये वाला फोर्स रूट टू के क्यू स्केयर बाई ये ए स्केयर, ए स्केयर, के क्यू स्केयर बाई ए स्केयर बाहर ले लो, क्या बच गया, वन बाई टू प्लस रूट टू। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। हाय गाइस, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस आपके, तो आपके लगभग सारे क्वेश्चंस कूलम्स लॉ पे बेस्ड मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, असाइनमेंट मैंने ग्रुप में डाल दिया है, कर लेना आप लोग, ओके बच्चा बाय। बेटा जो भी समझना है आप मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है बेटा, ठीक है, अरे समझ आ रही है बात भाई, ओके बेटा।